भारत ने आज पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। रवि जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया हो, क्या ये माना जाए कि आगे भी भविष्य के अंदर अगर इस तरीके से पाकिस्तान कोई घटना करेगा तो उसका जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा? पहले मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि 1994 के भारत के संसद के सर्वानुमति के रेजोल्यूशन के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अंग है, वो पाकिस्तान के अनऑथराइज कब्जे में है। इसलिए भारत की सेना एक प्रकार से भारत के क्षेत्र में गई थी, लेकिन हाँ, वो पाकिस्तान ने उसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। बड़ी बात क्या है कि भारत ने पूरी कार्रवाई की शांति के साथ, पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों, अगर वो हमारे निर्दोष लोगों को मारेंगे तो कार्रवाई तो होगी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो चुप नहीं बैठेगा और उसकी इस शांति को जो है कमजोरी ना समझा जाए। पहली बात आप जान लीजिए कि मैं आज से भारत की सेना का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मुझे बहुत मान है भारत की सेना के हिम्मत पर, उनकी ताकत पर, उनकी क्षमता पर। और दूसरी बात कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह के देश की अगुवाई की है तो हमको अपने प्रधानमंत्री जी भी बहुत अभिमान है। अब जो आपने पाकिस्तान की बात की है, उनकी शिकायत है, वो बोलते रहते हैं। मैं एक सवाल उनसे करूं, मैं बहस नहीं करना चाहता हूं। दुनिया में जहां भी आतंकवाद होता है उसकी सुई पाकिस्तान में क्यों रहती है? चाहे वो न्यूयॉर्क हो या ब्रसल्स हो या पेरिस हो या लंदन हो या नई दिल्ली हो या उरी हो। सर, भारत ने बहुत से फोरम पे जो है पाकिस्तान को जो है टाइट किया, चाहे वो यूएन में हो या सिंधु वाटर ट्रीटी हो या अब जो है उसके साथ साथ जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस दिया है उसको भी रिव्यू करने की बात आ रही थी। आज मीटिंग भी पोस्टपोन हुई है और उसके साथ साथ ये आर्मी की स्ट्रेटेजी, क्या आपको लगता है कि हर मोर्चे पे पाकिस्तान को घेर कर उसको कड़ा जवाब दे? आप देखिए, सार्क में अफगानिस्तान और बांग्लादेश दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, वो भारत के साथ हैं, श्रीलंका साथ में है, भूटान साथ में है। क्योंकि अगर दुनिया में आतंकवाद को बोने और चमकाने वाले लोगों की जगह बन रहा है पाकिस्तान, जिनको वहां की सेना और वहां की सरकार का संरक्षण है, तो संयम तो कभी ना कभी समाप्त होता है ना, वही हुआ है। लेकिन जिस तरह से हमारी सेना ने कार्रवाई की है, आप दो चीजें देखिए। कल ही दुनिया की रिपोर्ट आई है, भारत कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 19 पॉइंट आगे बढ़ा है, भारत दुनिया की बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है, दुनिया में हम लोग देखते हैं। और आज हमने अपने सामरिक हितों को भी मजबूती से करके दिखाया, कोई हमारे सामरिक हितों के साथ इस तरह से कार्रवाई करेगा, बदसलूकी करेगा, सेना के जवानों को निर्दोष मारेगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके बाद अगर कोई इंटरनेशनल दबाव बनता है भारत के ऊपर, तो उसको किस तरीके से आप लोग? आपने देखा होगा, दुनिया भी देख रही है आतंकवाद से, तो दबाव के आगे भारत कभी झुकता नहीं है। भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात दुनिया के सामने प्रभावी रूप से रखा है और पूरी दुनिया उसको समझ रही है। और जहां तक आतंकवादियों का सवाल है जो पाकिस्तान के शहर से आते हैं, उनसे निपटने के लिए भारत काफी है। सर, विपक्ष हमेशा ये कहता रहता था कि 56 इंच का सीना कहां गया, चाहे पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, इससे पहले जो भी बॉर्डर एरिया पे हमले हुए, आज ये कह सकते हैं आप कि 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री ने? ये सीना नापना आप लोगों का काम है। नरेंद्र मोदी की सरकार काम करती है और उनका काम बोलता है, जो देश के लिए वो कर रहे हैं और हमें बहुत मान है। आज का दिन पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, चाहे विपक्षी दल हो या कोई दल हो। और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि पत्रकार भी अगर एक स्वर में बोलेंगे तो देश का भला होगा। ठीक है।